बहुत हो गया भाई, अब खेल नहीं, अब करते हैं पढ़ाई। नहीं। नहीं। क्यों नहीं? ऐसे ऐसे नहीं कर रहा, मन नहीं, मन नहीं कर रहा। अच्छा तो फिर किस बात का मन कर रहा है? मुर्गा, मुर्गा बनने का मन कर रहा है। अच्छा बताओ कौन सा खेल खेलेंगे? छोटू भाई। मुझे एक बात बताइए, आप लोग बिना झगड़ा किए, बिना लड़ाई किए कोई भी खेल शांति से नहीं खेल सकते? मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत होशियार हो, सबके सब बहुत होशियार हो, लेकिन अभी अच्छे लीडर नहीं बने हो। अगर तुम लोग अच्छे लीडर होते तो अभी ये जो झगड़े की नौबत आई है ना, ये नौबत नहीं आती। सर ये लीडर क्या होता है? लीडर, लीडर का मतलब है नेतृत्व करने वाला, यानी वो व्यक्ति जो ग्रुप का, समूह का मुखिया बने, उसका नेतृत्व करे। जैसे महात्मा गांधी, चाचा नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, समझे? जी सर। और सुनो बच्चों, जो चुनाव लड़ता है बस वही लीडर हो ऐसी बात नहीं है, लीडर कोई भी हो सकता है। अपने अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति अपने खास गुण, नेतृत्व करने की क्षमता के कारण लोगों को प्रभावित करता है, समाज का हित देखता है, वो लीडर कहलाता है, समझे? समझ गए। तो क्या अच्छे लीडर झगड़ा नहीं होने देते? अच्छे लीडर झगड़ा नहीं होने देते। सर उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं? क्वालिटीज, क्वालिटी से मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? हाँ। अच्छा अच्छा हाँ। सुनो भाई, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा नेतृत्व के गुण यानी लीडरशिप की क्वालिटी पर। चलो सब जन बैठते हैं, बैठो बैठो। बहुत पुरानी बात है, दूर किसी नदी के किनारे बसा था एक सुंदर सा राज्य, और राज्य का नाम था रामनगर, और रामनगर का राजा था युद्धवीर। युद्धवीर अपनी जनता का बहुत ख्याल रखता था और जनता भी अपने राजा से बहुत खुश थी, लेकिन युद्धवीर अब बूढ़ा हो चला था, इसीलिए युद्धवीर ने अपने पुत्र रणवीर को राज्य सौंपने का निर्णय लिया, लेकिन बिना लीडरशिप की परीक्षा लिए अपने पुत्र को यूं ही राज्य सौंप देना अच्छी बात थी क्या? इसीलिए राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने की ठानी, और फिर एक दिन रणवीर एक कुशल योद्धा था, दूर दूर के देशों से बड़े बड़े गुरु आकर उसे युद्ध कला और शास्त्रों का ज्ञान देते थे। युद्ध के सारे दांव पेचों का उसे ज्ञान हो गया था। वाह, देखा आपने महाराज, क्या मात दी है! कुंवर जी के मुकाबले का योद्धा पूरी धरती पर नहीं मिलेगा। लेकिन महामंत्री, हम समझते हैं कुंवर को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। सच कहा महाराज आपने, इंसान अगर सारी जिंदगी भी सीखे तो भी कम है। अब आप हमें ही ले लीजिए, हमें अभी भी लगता है कि कुछ नया सीख लेना चाहिए। वैसे महाराज, आप कुंवर जी को क्या सिखाना चाहते हैं? महामंत्री, हम चाहते हैं कुंवर को ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो लोकहित में काम कर सके, जनता का दुख दर्द समझे, उनकी आवाज सुने, न कि अपना निर्णय उन लोगों के ऊपर थोपे। महामंत्री, आपकी नजर में कोई ऐसा आचार्य है जो कुंवर को लोकहित का ज्ञान दे सके? आचार्य एक गुरु है महाराज। कौन है महामंत्री? प्रकांड पंडित, शास्त्रों के ज्ञाता, महातपस्वी, महाज्ञानी आचार्य शीलभद्र, जिनके तप के सामने बड़े से बड़े योद्धा सर झुकाते हैं महाराज। लेकिन लेकिन क्या? आप तो साधु संन्यासियों को जानते ही हैं महाराज, देश दुनिया की माया छोड़कर जंगलों में पड़े रहते हैं, वहीं कुछ मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं तो उपवास से काम चलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या कुंवर उनके साथ रह पाएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए महामंत्री, आप तो हमें आचार्य से मिलवाने की व्यवस्था करें। ये कुंवर के लिए परीक्षा की घड़ी है महामंत्री। ठीक है महाराज, हम कल सुबह ही प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आइए।
और अगले दिन सुबह ही कुंवर रणवीर राजा युद्धवीर के साथ आचार्य शीलभद्र के आश्रम की ओर चल पड़े। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं रामनगर का राजा युद्धवीर हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ राजा? आपके दर्शनों की इच्छा थी, बस। बस? केवल दर्शन की इच्छा से मीलों चलकर आप इस जंगल में आए हैं? जो भी बात हो साफ साफ कहें राजन। गुरुदेव, अब मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। मेरा उत्तराधिकारी तो मेरा ये पुत्र रणवीर ही है, लेकिन मुझे चिंता है गुरुदेव। कैसी चिंता? गुरुदेव, मेरे बाद तो युवराज ही राजकाज संभालेंगे। इन्हें शस्त्र और शास्त्रों का तो अच्छा ज्ञान है, लेकिन गुरुदेव इन्हें जीवन की कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं। इनका अभी तक का जीवन तो राजमहलों में बीता है, सुख सुविधाओं में भोगा है इन्होंने। मुझे संशय है कि जनता की आवाज सुन पाएंगे, भले बुरे पे विचार कर कोई उचित निर्णय ले पाएंगे। ये चिंता नहीं है राजन, ये तो कर्तव्य निष्ठा है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस इतने ही गुरुदेव, मेरे पुत्र को दीक्षित कीजिए। युवराज, यहाँ मेरे पास आइए। युवराज, आपने इतना कुछ सीखा है, अब और क्या सीखना चाहते हैं? मैं तो यहाँ जंगल में अकेला रहता हूँ, न मेरे पास राजमहल है, न नौकर चाकर है। फिर आपको क्यों लगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँगा? मैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ गुरुवर, और ज़्यादा सीखना चाहता हूँ। फिर पुरखों ने भी कहा है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति अभाव और संकट के समय ही होती है। ठीक है राजन, आप निश्चिंत रहें, मैं युवराज को अवश्य दीक्षित करूंगा। गुरुदेव, मैं निश्चिंत हुआ। मैं आपकी कृपा के लिए आपका कृतज्ञ हूं गुरुदेव। गुरुवर, पुत्र, कल से तुम ये सब काम छोड़कर एक काम करो। गुरुवर, क्या आप मेरे काम से प्रसन्न नहीं हैं? नहीं नहीं पुत्र, ये बात नहीं है। मैं जो तुम्हें काम सौंपने जा रहा हूँ वो इन सब कामों से बढ़कर है। वो क्या? पुत्र, कल से तुम जंगल में जाओ, वहाँ जो भी आवाज़ें सुनो उन्हें शाम को मुझे आकर बताओ। कैसी आज्ञा?
के कहने अनुसार मैं जंगल गया। वहाँ पर मैंने शेर, चीता, नील गाय, हिरण, मोर और कबूतर की आवाज़ और हाँ सांप की आवाज़ भी सुनी। ठीक है पुत्र, जंगल में और भी कई तरह की आवाज़ें हैं, जाओ और उन्हें सुनो। जी, जैसी आज्ञा। लगातार कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। युवराज रणवीर जंगल में तरह तरह की आवाजें सुनता और आचार्य शील भद्र को बताता, लेकिन हर बार गुरुवर का यही जवाब होता। ठीक है पुत्र, अभी जंगल में और भी कई आवाजें हैं, जाओ और उन्हें सुनो। जैसी आप। और एक समय ऐसा आया जब रणवीर जंगल की सारी आवाजें सुन चुके थे। उन्हें अब कोई भी नई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। गुरुवर, मैं जंगल की सारी आवाजें सुन चुका हूं, मगर पिछले दो दिनों में मैंने कोई नई आवाज नहीं सुनी। ये तुम्हारा भ्रम है पुत्र। कई आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अनसुना कर देते हैं। जाओ और सुनो उन अनसुनी आवाजों को और तब मुझे आकर बताओ। जैसी आज्ञा। आवाजों की तलाश में रणवीर जंगल में भटकने लगे। उन्होंने अब आश्रम जाना भी छोड़ दिया। भूखे प्यासे सुध-बुध खोकर वे दिन भर अनसुनी आवाजों को सुनने की कोशिश किया करते। और एक दिन
गुरुदेव 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 धैर्य पुत्र धैर्य गुरुदेव मैं समझ गया कि आप मुझे जंगलों में बार बार क्यों भेजा करते थे क्यों पुत्र गुरुदेव मुझे आज जीवन के सूत्र मिले अगर मैं आज राजमहलों में होता तो जीवन की सच्चाई को कभी नहीं समझ पाता मेरे कान होते हुए भी मैं बहरा होता मेरी आंखें होते हुए भी मैं अंधा होता मगर अब मेरी आंखें और कान ना भी रहे तो भी मैं जीवन की सच्चाई को समझ लूंगा प्रभु मैं आपका आभारी हूं ऐसा क्या हो गया है पुत्र गुरुदेव मैं अब तक बहरा था जीवन के सत्य को सुन नहीं पा रहा था पर आज मैंने सुना फूल के खिलने पर क्या आवाज होती है पत्तियों द्वारा ओस को पीने की आवाज चींटियों के चलने की आवाज मछलियों के पानी में सांस लेने की आवाज मैंने वो सारी आवाजें सुनी प्रभु मैं तुमसे यही सुनना चाहता था पुत्र आज तुमने उन्हें सुना जिन्हें किसी ने नहीं सुना यही तुम्हारा लोकहित के लिए ज्ञान है पहले उन्हें सुनो जिन्हें कोई नहीं सुनता और जो अपना दुख दर्द दूसरों को बताने का प्रयास भी नहीं करते जाओ प्रजा का कल्याण करो और महान राजा बनो मैं धन्य हुआ गुरुदेव उसके बाद इस सीख का पालन रणवीर ने अपने राजकाज में किया उसने उन लोगों की आवाज सुनी जिन्हें कोई नहीं सुनता अपने इस गुण के कारण रणवीर जनता के नजदीक पहुंच गया जनता भी रणवीर को पसंद करने लगी और रणवीर एक महान राजा बना और लंबे समय तक राज भी किया समझे और अब मैं सुनाता हूं तुम्हें एक सच्ची कहानी इस कहानी में भी लीडर ने अपने अच्छे गुणों के कारण सफलता पाई और गांव का विकास किया ये कहानी है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जमुनिया ग्राम पंचायत की सरपंच गीता देवी राठौर की जमुनिया ग्राम पंचायत की आबादी लगभग 3,000 है यहाँ सभी तरह की जातियां रहती हैं। ग्राम पंचायत में महिलाओं की संख्या 1,000 पुरुषों में लगभग 945 है इसके बावजूद 1992 तक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किसी भी महिला ने नहीं किया सन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जब महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया तब इस पंचायत को एक नया लीडर सरपंच गीता देवी राठौर के रूप में मिला तब से उनकी लोकप्रियता का ये आलम है कि लगातार 3 पंचायत चुनाव से गीता देवी ही एक सरपंच के रूप में गांव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। क्या कारण है कि पुरुष प्रधान समाज में एक महिला होने के बावजूद गीता देवी राठौर को ही गांव का मुखिया होने का मौका मिल रहा है इसने शराब ने ना बहुत बड़ा रूप ले लिया था यहाँ पर बहुत परेशान हो गई थी यहाँ की औरतें भी एक बार फिर एक ने इतनी बेरहमी से अपनी औरत को मारा बहुत फिर वो लड़की बुलाने आई फिर सरपंच साहब को बुला के ले गई और भी महिलाएं गईं सब साथ में उनको डांटा समझाया उनकी समझ में आ गई अब वो अच्छे से रहने लगे दोनों पति पत्नी शराब पीकर पुरुषों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न आम बात है वर्षों से ये सिलसिला गांव में चल रहा था औरतें सारी जातियों को चुपचाप बर्दाश्त करती और उफ तक नहीं निकालती गीता देवी से औरतों पर की जा रही ज्यादतियां छुपी नहीं थी इस जुल्मों सितम की जड़ थी शराब
गीता देवी ने इस जड़ को ही काटने का फैसला किया। नशे के बारे में ऐसा है साहब कि यहाँ पे बाजार करने लगा हुआ है, कोई ब्लैक भी कर सकता है, कोई पी के भी आ सकता है, लेकिन आज सरपंच साहब ने जो है इतना कंट्रोल किया है जो कि आज तक कोई यहाँ पे नशे पी के नहीं आया और सब ने त्यागन कर दिया। वो तो उन्हें स्वयं जा कर के उसको कंट्रोल में किया है और इस वक्त शराब के प्रति सारा गांव कंट्रोल में है, हमारे गांव में कोई शराब नहीं। हमारे गांव में कलारी खुलने वाली थी पर महिलाओं ने सबने मिल कर के और गांव वालों में वो कलारी नहीं खुलने दी। मीटिंग करी थी कि गांव में कलारी नहीं खुलने देंगे, गांव में कलारी खुलने से क्या बच्चे भी बिगड़ आते हैं और फिर पीने में गदर भी करते हैं, इसलिए गांव के सब लेडीजों ने मिल के नहीं और नहीं खुलने दी। शराब की दुकान तो नहीं खुल पाई लेकिन फिर भी पुरुषों का शराब पीना बंद न हुआ, महिलाओं पर उनकी ज्यादतियां जारी रही। तब गीता देवी राठौर ने महिलाओं का एक समूह बनाया। जिस घर से भी उत्पीड़न की खबर मिलती महिलाओं का दल वहां पहुंच जाता, महिला की बात सुनी जाती, पुरुष को समझाया जाता। गीता देवी पीड़ित महिला की पूरी सहायता करती। घरों की टूटन का एहसास है गीता देवी को, परामर्श केंद्र में जाकर वो निपटाती हैं पारिवारिक झगड़ों को और बचाती हैं आशियानों को उजड़ने से। इतना ही नहीं, गीता देवी ने गांव का विकास भी किया। ग्राम पंचायत गीता देवी के नेतृत्व में गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रथम से ही गीता ने गांव का विकास तन मन और धन से, शासन से जो भी सहयोग होता है वो गांव के प्रति गीता उपयोग में लाती। बस विकास की ओर से जुड़ी है, गांव जुड़ गया, गांव को अच्छा लगता है। सड़क बन रही है गांव में, हैंडपम्पों की समस्या है, वो कहते हैं भाई हैंडपम्प लगता है, गांव में खरंजा हो रहा है, गांव में आलंगे भी उन्नी कराए प्रथम साल में। अब ये इसका आ गया तो कंक्रीट का करवा रही हैं, सारा विकास जो है इसीलिए गांव के प्रति अच्छा काम करते हैं। गांव वालों को तो अच्छा विकासशील सरपंच आई, समय पे मीटिंग लेती है, जन समूह जब जनरल मीटिंग होती है आम सभा, जब गांव को इकट्ठी करती है, गांव की समस्याओं का पूरा निराकरण करती है, पूछती है, इसीलिए गांव को प्रिय। मतलब इतना कंट्रोल है इन लोगों का, सरपंच गीता देवी वगैरह का इतना कंट्रोल है, कहीं भी अगर थोड़ी बातचीत हो जाती है बाई चांस तो तुरंत वहाँ जा पहुँच जाती, तुरंत पहुँचती है और उसको समाधान कर देती है। हमारी महिलाएं एकजुट हैं, यानी कोई भी काम हम लोग करते हैं सब महिलाएं मिलकर करते हैं एकजुट, जैसे भजन वगैरह हम लोग ने करे, भजन वगैरह में बैठते हैं और सब लोगों की समस्या सुनते हैं ना, इसीलिए महिलाएं एकजुट हो जाती हैं। हम लोग मीटिंग करते हैं, मीटिंग में बात तय होती है कि भैया पहले सबसे पहले कहाँ काम होना चाहिए, कहाँ ज़रूरी है, तो उसका उसको काम को हम लोग सबको ही यानी सबकी सलाह से वो काम करते हैं। सबकी सलाह से काम करने से लोग जुड़ते हैं, लोग मानते हैं बात, क्योंकि यदि हम उनकी बात नहीं माने तो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरे को सहयोग नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोगों के गांव में अच्छा विकास हुआ और अच्छी यानी अच्छे रिजल्ट भी अच्छे आए और हमारे गांव का नाम पूरा दिल्ली तक यानी फेमस है। और गीता देवी सुन रही हैं वो अनसुनी आवाजें जो अब तक नहीं सुनी गई हैं। वो कर रही हैं क्षेत्र का विकास, महिलाओं को बढ़ा रही हैं आगे। ये कोशिश वो लगातार 3 बार के अपने सरपंच के कार्यकाल से करती आ रही हैं। क्षेत्र के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है और गीता देवी को खुद पर।
हाँ तो बच्चों कैसी लगी तुम्हें दोनों कहानियाँ? तो तुम लोगों को पता चल गया कि अच्छे लीडर में कौन से गुण होने चाहिए, कौन बताएगा? शिखा तुम बताओ। यही कि लीडर को उनकी आवाज सुननी चाहिए जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। बहुत अच्छा, अच्छा लीडर वो होता है जो उनकी आवाज सुनता है जिन्हें कोई नहीं सुनता। वो कमजोर की मदद करता है, उनके हित का काम करता है, तभी तो वो अच्छा लीडर कहलाता है। तो तुम लोग कैसे लीडर बनोगे? शाबाश। तो अब आज की क्लास हुई खत्म, लेकिन हाँ मेरी बातों का हमेशा ध्यान रखना, खूब पढ़ाई करना और जमकर मस्ती भी करना। जो सुन सकता है मौन शब्द, जो अनहद को पहचाने, वो ही छू सकता अंतर मन को, वो दिल की भाव।